नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने ये सिंगोनियम के जो मेरे पास प्लांट है इनकी थोड़ी सी कटिंग, ये काफ़ी बड़े हो गए और मैंने पहले भी कटिंग करके इनमें से दो प्लांट पहले भी बना लिए थे और मैं इनमें थोड़ा सा खाद डालूँगी जो कि मैंने तैयार कर रखा है गोबर की सड़ी हुई खाद से। और ये देखो फ्रेंड्स, ये कितने बड़े हो गए हैं, इनको फिर से कटिंग कर करके दूसरे प्लांट में मैं लगाऊंगी। ये काफी घना हो गया है प्लांट। डॉगी से सुबह सुबह मस्ती आई हुई है। इसकी रूट इतनी ज़्यादा निकली हुई हैं, मैंने इसको बांध रखा है फिर भी ये गिरने के लिए तैयार है, इतना ज़्यादा हैवी बन गया ही है। इसको मैं दोबारा से ऐसे ही करके बांधूंगी, अब इसकी ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करूंगी। ये पिंक सिंगोनियम ये कुछ ज़्यादा ही भूसी बन गया है, थोड़ी सी इसकी कटिंग करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। मैंने जो ये खाद तैयार किया है ये मैंने 3 महीने पहले अपना रखा हुआ था, गोबर, थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ और कुछ कीले इसके अंदर डाल दी थी। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने 10 डब्बे तो पानी के और 1 डब्बा खाद का डालने के लिए तैयार किया है और मैं ये ही अपने सभी प्लांट में डालती रहती हूँ। 1 महीने के 15 दिन के अंदर इसको डालते रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा खाद है। अब मैं इसको अपने प्लांट में डाल दूँगी। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है, इसकी जड़ें जो हैं काफ़ी ऊपर तक रहती हैं। इसको यहाँ से कट करो और दूसरे पॉट में लगा दो और ये जितना ज़्यादा इसकी कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये सुंदर बनेगा। टाइम से इसको खाद देते रहो और ब्राइट लाइट इसको मिलनी चाहिए, ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ये अच्छे से नहीं चलेगा। इसको 2-4 घंटे की ही धूप चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।